कैसे बनाओ तो ई का है हो रोटी हो या है पानी भाई सुशी डॉक्टर रहे पर भरते रहो बार कोड भी लगेगा ना बार कोड वगैरह तुम पहले भूल गए क्या हाँ इंटीरियर में मेरा स्टेज है गाड़ी में आई नहीं था ये बना रहे वीडियो ऊपर से पीछे का पीछे का पीछे का देसी अंग्रेजी सब एक रोल है हाँ सर किस तरह का खुलासा है ये क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एक बड़ा वर्क किया गया है जिसमें एक अभियान चल रहा था अवैध शराब के निष्कर्षण और उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसी कार्रवाई के क्रम में आज एक बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच को हासिल हुई है जिसमें एक शराब बनाने के फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया गया है कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है अभी भी 2 अभियुक्त जो है फरार चल रहे हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है इनसे पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई कि इनके द्वारा इथाइल अल्कोहल मध्य प्रदेश से मंगवा के बड़ागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब के निर्माण किया जा रहा था और शराब के ठेकों को इसका सप्लाई उनके द्वारा किया जाता था लगभग 17-18 ठेके हमने इस तरह से चिन्हित किए हैं जहां पे ये सप्लाई होता था अब इन सभी ठेकों के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई शीघ्र ही हम लोग अमल में लाएंगे इसमें जो बरामदगी हुई है वो 10 पेटी शराब देशी शराब बरामद हुई है और 50 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है इसके अलावा केमिकल जो बनाने वाला होता है रैपर्स कुछ बारकोड्स जो होते हैं वो भी इसमें बरामद हुए हैं और एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है इसमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है पूर्व का सोनू सेठ के खिलाफ लगभग 3 मुकदमे विभिन्न थानों पर पंजीकृत है और शिवशंकर और बाबू सेठ के खिलाफ 8 मुकदमे विभिन्न थानों पर पंजीकृत है इनके द्वारा ये शराब मंगवा के वहाँ पर निर्माण करके आसपास के जनपदों में जैसे कि आजमगढ़ जौनपुर बिहार और अन्य पूर्वांचल के जनपदों में इसका सप्लाई किया जाता था पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है और शीघ्र हाल ही में जो अभियान चल रहा था उसके क्रम में भी ये एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है सर क्या ये ग्रुप बनाकर करते थे किस प्रकार से ये पूरा इनका गैंग था उसका गैंग लीडर अभी फरार चल रहा है उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं अपने गैंग बना के ये पूर्वनिर्मित तरीके से इनका निर्माण करते थे शराब का निर्माण करने वाला उपकरण भी इसमें बरामद हुआ है ठीक है